नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल ट्री स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना अमेज़न हॉल। सो दिस विल गोइंग टू बी अ मिक्स्ड हॉल। सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद MHS। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो से। तो MHS बेसिकली क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, आपको अलग अलग लिंक्स को क्लिक नहीं करना रहेगा। आप मेरी डायरेक्टली एक सिंगल लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये मेरा हॉल स्टोर की लिंक है। जो जो भी मैं हॉल बनाती हूँ आपको वो सिंगल लिंक पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट से। मैंने 3-4 क्लोथिंग आइटम्स मंगवाए हैं। तो जो मैंने क्लोथिंग आइटम्स मंगवाया है वो क्लोथिंग आइटम्स मेरे उस घर में रखे हुए हैं, मैंने बट ट्राई किया हुआ है, उसके वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे पास। तो मैं आपको यहाँ पर डालती जाऊंगी वो क्लिपिंग्स एंड बताती जाऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो सबसे पहले आते हैं ये ईशियंस वुमेन कॉटन रेड बांधनी सूट पे। ये जो सूट था ये काफी ज्यादा सुंदर लगा मुझे, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, नवरात्रि आने वाले हैं, देन करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है। तो इस तरीके का वैसे भी मुझे इन पर्सन यू नो फेस्टिव सीजन में थोड़े ऐसे ब्राइट कलर्स पहनना ज्यादा पसंद है, लाइक रेड हो गया, चटक वाला जो पिंक होता है वो हो गया, मस्टर्ड येलो हो गया, ब्लू हो गया, ये 3-4 कलर, ऑरेंज हो गया, ये 4-5 कलर्स ऐसे हैं जो मुझे फेस्टिव सीजन में स्पेसिफिकली इन्हीं कलर्स को पहनना ज्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर है, बांधनी का है। फिटिंग मैंने स्मॉल साइज मंगवाया था बट फिर भी मुझे काफी लूज है, तो डेफिनेटली साइजेस का थोड़ा सा इशू है, बट मैं उसको ऑल्टर करा लूंगी, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। द फैक्ट इज कि उसका दुपट्टा, कुर्ता, जो प्लाजो था वो सब कुछ इतना ज्यादा कंफर्टेबल था, एंड बेस्ट पार्ट इज कॉटन था, बहुत सुंदर लग रहा था वो सूट मुझे। उसके बाद कमिंग टू माई नेक्स्ट टॉप इज दिस ओनली का, जो ये मस्टर्ड येलो कलर का टॉप है, मुझे काफी अच्छा लग रहा था ये, काफी क्यूट सा टॉप था। मैंने ये एम साइज में मंगवाया था, वैसे मुझे ओनली का जो एस साइज है वो आराम से एकदम प्रॉपर फिट आता है, बट स्टिल मैंने एम साइज मंगवाया क्योंकि एस अवेलेबल नहीं था, एंड आई रियली लाइक्ड इट। उसका पैटर्न था वो मुझे काफी क्यूट लग रहा था, लाइक हाई वेस्ट जीन्स के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो, लूज फिटेड जो जीन्स होते हैं, मॉम्स जीन्स जो होते हैं उसके साथ कैरी कर सकते हो, सो आई रियली लाइक्ड इट। तो ये है मेरा सेकंड टॉप। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉप है ये ग्रीन कलर का ओनली का टॉप है। सो बेसिकली मुझे तो ये काफी पसंद आ रहा था, बट टीनू भी वहीं पे थी जब मैं ट्राई कर रही थी, तो टीनू सेट की उसको ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, बट स्टिल आई केप्ट इट क्योंकि मुझे काफी अच्छा लग रहा था, ऐसे थोड़ा सा यू नो वैसा वाइब दे रहा था, लाइक अ पार्टी वार्टी में छोटा मोटा गेट टूगेदर में कैरी कर सकते हो। इसमें ऐसे स्टड्स लगे हुए थे, जो कि स्टड्स जो है वो ऐसे चिपके हुए नहीं थे, वो प्रॉपरली यू नो स्टिच्ड स्टड्स थे, तो इनकेस अगर आप वॉश वगैरह करते हो तो आई एम श्योर वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे, हिलेंगे भी नहीं वो। तो काफी अच्छी क्वालिटी के स्टड्स लगे हुए थे उसमें, एंड यस फिटिंग विटिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा ओवरऑल, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये ओनली का जो बॉयफ्रेंड जीन्स है। सो बेसिकली अब तक मैं कितने ऑनलाइन जीन्स मंगवा चुकी हूँ, एटलीस्ट 7-8 जीन्स मंगवा चुकी हूँ, एंड मोस्टली जीन्स जिसको मुझे 7-8 में से आई थिंक मैंने एक रखी है या दो रखी है, बाकी सबको मैंने रिटर्न किया है। रीजन बिहाइंड दैट इज कि साइजेस इशू आता है मेरे को, यही सेम ब्रांड का जब मैं शॉप से परचेस करती हूँ तो मुझे 27-28 एकदम परफेक्ट आता है, लेकिन जब मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ तो साइज इशू होता है। सो आई डोंट नो, ऑल्दो इनका जो स्टोर है मैं ओनली के स्टोर से ही पर्टिकुलरली जो ऑनलाइन स्टोर है वहीं से मंगवाती हूँ, किसी और थर्ड पार्टी से भी नहीं मंगवाती, बट फिर भी साइज इशू आता है। तो मे बी या तो ये बॉयफ्रेंड जीन्स है इसमें कुछ साइज का झोल होता होगा, आई रियली डोंट नो, बट इसमें साइज अवेलेबल नहीं था। मैंने 27 मंगवाया था, 27 वॉज लाइक दिस, इतना लूज था मुझे, मतलब मैं जब मेजर कर रही थी ना तो आई रिटर्न इट, क्योंकि ऑब्वियसली कितना ही ऑल्टर करवाती मैं, वो थी इतनी प्यारी लग रही थी, जीन्स बहुत अच्छी लग रही थी, बट वही मुझे साइज समझ में नहीं आया कि क्यों मुझे लूज आ रहा है एंड ऑल दैट। उसके बाद मैंने ये प्लानर के लिए स्टिकर्स मंगवाए हुए हैं, दिस इज द स्टिकर्स। मुझे प्लानर को अपने काफी अच्छे से नो डेकोरेट करके रखना बहुत अच्छा लगता है, मैं काफी सारे स्टिकर्स यूज भी करती हूँ, तो ये मैंने प्लानर के लिए स्टिकर्स मंगवाए हैं। इस ब्रांड के मैं और भी स्टिकर्स पहले यूज कर चुकी हूँ तो मुझे काफी पसंद आते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी के इनके स्टिकर्स होते हैं, तो ये मैंने मंगवाया हुआ है नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है अगेन एक प्लानर है। आई नो मैंने अपने लास्ट टू लास्ट आई थिंक अमेज़न MHS हॉल में ये बताया था किसी हॉल में कि मैंने इंक बकेट का प्लानर मंगवाया था, वो प्लानर भी मेरे पास रखा हुआ है अनडेटेड वाला। उसके बाद मैंने एक आयुर्वेदिक प्लानर भी मंगवाया हुआ है और तीसरा एक और प्लानर मैंने मंगवाया है। मैंने ये प्लानर इसलिए मंगवाया था, इसका प्राइस ना बहुत कम था, मतलब रैंडमली कोई वीडियो रिव्यू वगैरह देख करके नहीं मंगवाया, जस्ट रैंडमली मैं अमेज़न पर स्क्रॉल कर रही थी प्लानर्स के बारे में, एंड दिस इज द प्लानर जिसकी पूरी फुल 5 रेटिंग दी हुए थे और इतने लोगों ने इसके रिव्यूज दिए थे। ओनली फॉर 3 मंथ्स, 3 or 4 मंथ्स के लिए ही है, जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं वो यूज कर लूंगी। मैंने इंक बकेट वाला मंगवाया एंड तीसरा मैंने ये मंगवाया है, वो दोनों भी मुझे बहुत पसंद आए थे, बट जब ये मेरे पास आया आई एम यूजिंग दिस प्लानर करेंटली, मतलब ये मुझे इतना पसंद आया था। ये 650 या 675 ऐसे कुछ का है, एंड अब तक के जितने भी प्लानर्स मैंने यूज करे ना
उनमें से आप सोचो मैंने इसको डिसाइड किया यूज करने का, ये इतना अमेजिंग है। अभी मैं आपको इन डेप्थ बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। ओके, नाउ दिस इज द प्लानर, इसका नाम है फाइंड योर बैलेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। ये बहुत अच्छी चीजें इन्होंने लिखी है, लाइक पर्सनल ग्रोथ, सोशल हेल्थ, वर्क एंड फैमिली। तो आपको कितना मतलब ये स्टोन्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है। सो आई रियली लाइक इट। फिर प्लानर को आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि हाउ टू यूज़ डेली टेम्पलेट, प्लान योर डे, आप यहाँ पर डेली अफर्मेशन डाल दीजिए। उसके बाद टॉप प्रायोरिटीज़ फॉर द डे, आपकी वर्क से रिलेटेड क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। आपकी फैमिली से रिलेटेड क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, सेल्फ केयर, एक्सरसाइज, फेस मास्क, रीड बुक, ड्रिंक मोर वाटर। अब अपने बार क्या क्या मतलब ये चीज़ मुझे, ये जो पार्ट है ना वर्क, फैमिली एंड सेल्फ केयर, ये जो तीन अलग अलग टू डू लिस्ट डिसाइड किया, दैट इज़ आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस थिंग। हाउ कुड आई हैव मेड टुडे बेटर, नोट्स में आप लिख दीजिए। रेट योर डे यहाँ पर है, वर्क, फैमिली, सेल्फ केयर का कैसा आपका रेटिंग आप दे सकते हैं उसके। सो नाउ आई एम ग्रेटफुल फॉर अनदर ब्यूटीफुल डे विद फैमिली। हाइलाइट्स ऑफ द डे, थॉट्स हैं, डूडल्स हैं, आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। गोल फॉर द ईयर, आपका गोल फॉर द ईयर क्या है, वर्क को लेकर, फैमिली को लेकर, पर्सनल को लेकर के, एंड देन सोशल को लेकर के, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा हाइड कर रही हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पर नोट्स लिख दिए हैं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ 10 years फ्रॉम नाउ, 5 years from now, 1 year from now, 6 months from now and 1 month from now, आप यहाँ पर वो mention कर सकते हैं। मैं already fill कर चुकी हूँ, so I don't want to, you know, show it to you guys. Books to read, I don't read, books, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी mention नहीं किया है, आप movies डाल सकते हैं इसकी जगह पे। Skills to acquire, उसके बाद wish list में आपकी wish list क्या क्या है, and places to visit, my best traits. Qualities I need to work on. उसके बाद this year I want to do more of, then less of, little things that makes me happy. आप यहाँ पर points mention कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप feeling low होते हैं तो आप यहाँ पर look at the bigger picture. उसके बाद write a journal, listen to music, watch a funny movie, take a nap, take a long shower. People who inspire me, I have to write the names. Who is your inner circle में वो लोग आने चाहिए जिनको आप रात को 3 बजे भी call करो तो they are there for you. मैं यहाँ पर अपने friends लोगों का नाम लिख करके रखा है जो रात को 3 बजे भी they are available for me. एट ग्लैंस, तो ये मैंने सेप्टेम्बर डाला हुआ है, एंड आप यहाँ पर बिकॉज दिस इज अनडेटेड प्लानर तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कहाँ पर क्या आना है। मंथ ऑफ डाल करके यहाँ पर आता है दिस मंथ मोटो, आप डाल दीजिए गोल फॉर द मंथ। देन टू डू लिस्ट आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, आपकी मंथ की टू डू लिस्ट है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अपॉइंटमेंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। शॉपिंग लिस्ट, आपको इस मंथ क्या क्या चाहिए वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये मूड ट्रैकर है यहाँ पर, हैबिट ट्रैकर, यहाँ वाटर और एक्सरसाइज दिया हुआ है, बाकी आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो। सो आई रियली लाइक, मतलब ये दोनों पेजेस मुझे बहुत अच्छे लगे, इनके काफी प्रैक्टिकल भी थे। फिर यहाँ पर आता है मंथली बजट, तो रेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस, फिर हाउस एक्सपेंस आता है अलग से, पर्सनल फैमिली एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, देन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, टोटल मंथली इनकम कितनी हुई, एक्सपेंस कितना किया, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके डेज स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से डेट डालिए, डेली अफर्मेशन, टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द डे, एंड देन सेम, ये सारी चीजें, ये आपका पूरा पूरा एक मंथ के लिए चलता है। एंड अगेन फिर एंड हाँ, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इतना छोटा प्लानर है बट स्टिल उन लोगों ने यहाँ पर एक बुकमार्क दिया हुआ है, स्टिकर्स दिया हुआ है, जिससे मतलब इससे तो मैं सोल्ड ही हो गई इसके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट परचेस मैंने किया है वो है ये द बॉडी शॉप का डेली ग्लो क्लेंजिंग पॉलिश। सो बेसिकली दिस इज माय सेकंड परचेस। 4 months पहले मैंने इसको एमएचएस के कोलैबोरेशन में ही मंगवाया था। छोटे छोटे से कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि आई थिंक स्क्रब करते हैं आपकी स्किन को, बट बहुत ही जेंटल स्क्रब करते हैं। डे एंड नाइट आई एम यूजिंग इट, मतलब मैं तो यूजली फेस वॉशेज परचेस नहीं करती हूँ। उसके पीछे का क्लियर रीजन ये है कि मुझे मामा अर्थ से काफी सारे फेस वॉशेज आ जाते हैं, या फिर मुझे डर्माको से आ जाता है, या प्लम का आ जाता है, तो मैं फेस वॉश परचेस करती ही नहीं हूँ। मेरे पास ये ब्रांड्स के जो आते हैं ये भी काफी अच्छे रहते हैं, तो मैं उन्हीं को ही कंटिन्यू करती हूं। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था कि मैंने ये परचेस किया था रिव्यूज देख करके, और मेरा काफी टाइम से मन भी था इसको लेने का, बट दिस इज वर्थ बाइंग। मतलब इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, भले ही मैं अगर इसको डेली नहीं लगाऊं या मुझे कहीं जाना है, अच्छी जगह जाना है ना, आई वॉन्ट मेरी स्किन पे एक अच्छी सी शाइन एंड ग्लो आए, आपकी स्किन से बिल्कुल वो जो डलनेस एंड टायर्डनेस होता है ना वो रिमूव कर देता है, एंड ऑयल नहीं आता मेरे स्किन पे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय स्किन, मेरी स्किन वैसे ऑयली हुआ करती थी, बट फ्रॉम लास्ट आई थिंक 7-8 months जब से मैं भोपाल से वापस मुंबई गई हूँ, मेरी स्किन पे 1% ऑयल नहीं आ रहा था, जबकि मुंबई में इतना ऑयली वेदर होता था, बट स्टिल मेरी स्किन पे ऑयल नहीं आता
करता था. मे बी द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग इट्स बिकॉज ऑफ दैट, या पता नहीं जो भी हुआ है, बट मेरी स्किन पे बिल्कुल भी ऑयल क्रिएट नहीं होता एकदम. मेरे जो छोटे छोटे से एक्ने मार्क्स थे, अब दिस इज माई बेयर स्किन. मैंने सिर्फ लिप एंड चीक टिंट होता है वो मैंने अपने लिप्स पे, अपने आईलिड्स पे एंड थोड़ा सा अपने चीक्स पे लगा लिया, दैट्स इट. क्योंकि मेरे पास कुछ भी तैयार होने का सामान नहीं है यहाँ पर, तो मैंने ये बेसिक सी चीजें लगाई हैं थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए. उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया है. एंड लुक एट माई स्किन राइट नाउ. सो आई रियली लाइक इट. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये चलता है, मतलब 3 months चला था मुझे ये. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगवाया है, चकोटा स्टील का. उनको चाहिए था, मैं स्टील का यूज करती थी तो मेरी मम्मी ने बोला कि उनको भी स्टील का चाहिए, बिकॉज वही होता है वुडन वाले में फंगस लग जाती है. बट ये वैसा नहीं आया जैसे मैंने परचेस किया था. ये पीछे से पूरा ओपन है, मेरे वाला जो है ना वो पूरा पैक्ड है. एंड इसकी इवन ये जो कॉर्नर्स है ना, इसकी जो कॉर्नर्स है ये भी काफी ज्यादा शार्प है, तो इट माइट पॉसिबल कि कोई काम कर रहा होगा तो उसको लग सकता है. तो आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट, मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ. मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया. क्वालिटी भी इसकी बहुत फ्लिमजी सी है प्राइस वाइज के हिसाब से. हालांकि था ये 300 रुपए का, लेकिन स्टिल मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी. आई एम ऑल्सो मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगी. अभी मैंने दूसरा ऑर्डर किया है, लेट्स सी अगर वो अच्छा आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली उसका रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है अगेन ये तड़का पैन. तो ये थोड़ा सा जो मेरे पास जो तड़का पैन है ना उससे थोड़ा बड़ा है. मेरा जो तड़का पैन है वो इससे भी छोटा है. दिस इज अमेजिंग. काफी अच्छी हाई क्वालिटी का है और काफी हैवी बेस है इसका. मैं तो काफी टाइम से उसको यूज कर रही हूँ, मुझे तो काफी पसंद आया था इसलिए मैंने उसी ब्रांड का मंगवाया. एंड जो मेरा वाला साइज था वो आउट ऑफ स्टॉक है. अभी जैसे तैसे ये इन स्टॉक आया तो आई थॉट कि चलो इसको ही मंगवा लेते हैं. तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट. अगर आप तड़का पैन देख रहे हैं इस ब्रांड का कंसिडर कर सकते हैं, अमेजिंग क्वालिटी है. तो लिंक सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे, आप मेरे माई हॉल स्टोर के लिंक को चेक करके जाके देख सकते हैं. एंड यस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ जल्दी ही आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.